धीरज रखो, इतने ही में तृप्त हो गई हो तुम, हेल्थ मिल गई, बस तृप्त हो गई। केवल तुम्हारा लक्ष्य स्वास्थ्य बनाना था कि परमात्मा को प्राप्त करना। अच्छा बोलो, आजकल लोग हेल्थ बनाने में लगे हुए हैं, परमात्मा को प्राप्त करने में नहीं लगे हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, अमावस का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं। व्रत इसलिए करते हैं कि भगवान मिले। मैंने कहा मूर्ख मत बनाओ, जिस दिन तुम व्रत करते हो उस दिन 1000 रुपया का पेमेंट हो जाता है फलाहार में। बोलो होता कि नहीं होता? जिस दिन लोग व्रत करते हैं उस दिन 1000-2000 का फलाहार बन जाता है कि नहीं बन जाता? भोजन से ज्यादा महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत कर रहे हैं कि हेल्थ बनाने के लिए कर रहे हैं? बोलो भाई, झूठ क्यों बोलते हो? ये व्रत का नाटक क्यों करते हो? याद रखना, व्रत तो ये है जो मनु जी कर रहे हैं। बोलो है व्रत कि नहीं? ये मनु जी जो कर रहे हैं यही व्रत है। ये नहीं कि 5 किलो कलाकंद खा गए और 500 ग्राम मलाई खा गए, बोले एकादशी हो गई। एकादशी हो गई, बहुत बढ़िया एकादशी रही आज, तो क्या पूछना। ये व्रत है, ये व्रत नहीं है प्यारे। केवल मात्र 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 फलाहार हो, लघु मात्र फलाहार, अल्पाहार। फलाहार में भी अल्पाहार, जिससे हमारा शरीर शिकस्त ना हो जाए, हम कम से कम चलने फिरने की क्षमता रख सकें, इसके लिए हम मात्र फलाहार में भी अल्पाहार लें, स्वल्पाहार जिसको कहते हैं, ठीक है ना? तब माना जाएगा कि सच्चा तुम व्रत कर रहे हो, सच्चा व्रत तभी माना जाएगा। समझ लो, एक बार हम क्या बताएं आपको, एकादशी के दिन एक महात्मा मेरे पास आ गए। बोले स्वामी जी एकादशी है, मैं तो व्रत हूं। मैंने कहा हमारे यहां फलाहार बनता है भंडारे में, तो वो तो सभी के लिए बनता है। बोले महाराज जी वो हम भंडारे में गए थे तो पंगत तो हो चुकी है अब। मैंने कहा अच्छा, तो कोई बात नहीं है, तब मैं व्यवस्था किए देता हूं। समय से आप नहीं आए, लेकिन आ गए हो तो आपको फलाहार मिलेगा। मैंने कहा फलाहार में आप क्या लेते हैं ये बताएं, आप बताएं फलाहार में। बोले महाराज जी 5 किलो आम और 5 किलो कलाकंद और 3 किलो दही और 2 किलो रबड़ी, इतना ही मंगा दो बस, पर्याप्त। क्या मैं कोई राक्षस हूं, साधु हूं? मैंने कहा देखो ये लंबा बजट। बोले इतना ही पर्याप्त है भाई। सीधी सी बात, हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं। नहीं नहीं, ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए। हम खाने के लिए ना जिए, हम अपने लिए ना जिए, हम तो अपनों के लिए जिए और भगवान के लिए जिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, ये सिद्धांत होना चाहिए। महाराज मनु अपने लिए नहीं जी रहे हैं। बोलो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? ये जो तपस्या कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं? बोलो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं कि नहीं? अगर मनु जी तपस्या ना किए होते तो प्रभु श्री राम का जन्म होता क्या? प्रभु श्री राम का जन्म नहीं होता प्यारे। ये जन्म की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ये बड़ी मार्मिक कथा है। इस कथा को सुन लोगे मन से तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सारी की सारी भ्रमात्मक स्थितियां समाप्त हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं निचोड़ सुना रहा हूं, सार सुना रहा हूं। महाराज मनु को वाणी सुनाई दी तो हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवई भवंते आए, जैसे अभी भवंते चले आ रहे हूं। वाणी ने कहा, ब्रह्मनाद हुआ, ब्रह्म वाणी बोली, मांगो मांगो मांगो, जो मांगोगे हम देने को तैयार हैं, मांगो।
मनु जी ने कहा देने वाला जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या मांगे। देने वाला सामने तो आवे। ब्रह्म की वाणी ने कहा कि मैं दे तो सकता हूं, ब्रह्म बोला मैं दे सकता हूं, वाणी बोली मैं दे सकती हूं, लेकिन वाणी ने कहा कि मैं आ नहीं सकती हूं, ब्रह्म कहता है मैं आ नहीं सकता हूं, दे सकता हूं। मनु जी ने कहा आप क्यों नहीं आ सकते हैं ये बताओ। मनु जी ने कहा आप आ क्यों नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा इसलिए कि मेरा कोई आकार नहीं है। आकार हो तब ना आवे, मेरा कोई आकार ही नहीं है इसलिए मैं क्या दे दूं आके, वैसे दे सकता हूं जो मांगोगे। मनु जी ने कहा जिसका कोई आकार नहीं है मेरी दृष्टि में वो बिल्कुल बेकार। जिसका कोई आकार ही नहीं है मेरी दृष्टि में वो बिल्कुल बेकार। आपको देना है तो आकार लेकर के आना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भक्तों को आपने दर्शन नहीं दिया? भगवान ने कहा दिया। तो यदि भक्तों को आपने दर्शन दिया है तो क्या मुझे दर्शन नहीं दे सकते? वाणी ने कहा कि भक्तों ने आकार स्वयं दिया मुझे, और जो भक्तों ने आकार दिया उसी आकार को लेकर के मैं आ गया। मेरा अपना कोई निजी आकार नहीं है। एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही, क्या? ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्ति की भावना से सदाकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं। बोलो भाई, भक्त जैसा आकार देता है भगवान उसी आकार में आ जाते कि नहीं आ जाते? कौन नहीं जानता है, भक्त प्रहलाद ने भगवान का आकार चाहा तो खंभ से नृसिंह बन करके प्रकट हो गए और भक्त प्रहलाद को दर्शन दे दिए। बोलो दे दिए कि नहीं दे दिए? नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। कौन नहीं जानता है कि मीरा को विष के प्याले में ही श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए, वो विष ही भगवान बन गया। बोलो बन गया विष भगवान कि नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भक्त जो आकार देता है भगवान उसी आकार में प्रकट हो जाते हैं। मनु यदि तुम चाहते हो कि मैं आकार लेकर के आऊं तो मुझे कोई आकार दो, मैं वही आकार लेके आऊंगा। मान लीजिए मैं अपने पसंद का आकार लेके आ गया और तुमने कह दिया हमें ये पसंद नहीं है, तो हम फिर मेकअप करें जाके वापस जावे फिर मेकअप करें तो ये उचित नहीं होगा, इसलिए तुम ही बता दो आकार दे दो, हम उसी आकार में आ जाएंगे। अब मनु जी आकार दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया। जो स्वरूप बस अरे शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन अरे मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रण तारक मोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारक मोचन, कृपा करहु प्रण तारक मोचन, कृपा शिव के हृदय में हृदयस्थ है वही रूप लेकर के आप प्रकट हो जाएं। अच्छा आप सब जानते हैं भगवान शंकर के हृदय में कौन सा रूप हृदयस्थ है?
अब थोड़ा सा इस पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो स्वरूप बस्यु मन माही, शंकर जी के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है, शंकर जी के हृदय में कौन सा रूप हृदयस्थ है। अच्छा भाई, आप जिसके नाम का जप करते हो, ईमानदारी से बताओ, वही परमात्मा आपके हृदय के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित आएगा। और शंकर जी जिसके नाम का जप करते हैं, वही भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ है। तो अब शंकर जी से पूछा गया कि आप किसके नाम का जप करते हैं, तो शंकर जी, तो तुम पुनि राम राम दिन राती, ओ सादर जपहू अनंग अरार। बोलो भगवान शंकर दिन रात राम 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 राम, बोलो यही जपते हैं कि नहीं? तो शंकर जी के हृदय में राम जी बैठे कि नहीं बैठे? और बोलो आज मनु जी सगुण साकार रूप में श्री राम को ही प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज करेंगे, तब तक एक सज्जन खड़े होके बोले, महाराज जी रुको 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 रुको। मैंने कहा क्या बात है क्या बात है? बोले इसमें हमें शंका है। मैंने कहा शंका क्या है? बोले आपने ये कहा तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती, राम 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 दिन रात शंकर जी जपते हैं। हमने कहा जपते हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा कि राम राम शिव सुमरन लागे तो जाना सती जगतपति जागे, इसका मतलब सोए थे तभी जगे। तो दिन रात कहां हो गया? अब कहां दिन रात है आप ही बताएं। मैंने माथा पकड़ लिया, क्या बताऊं इसको, क्या समझाऊं कैसे समझाऊं। अच्छा चौपाई ये भी है कि नहीं, राम राम शिव सुमरन लागे तो जाना सती जगतपति जागे। और एक चौपाई यह भी है जो मैं कह चुका हूं, तुम पुन राम राम दिन राती, दिन और रात। तो कहे महाराज दिन रात अगर राम 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 शंकर जी जपे, तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि जाना सती जगतपति जागे, जागे वाणी सोए थे तो, सोए थे तो राम राम कैसे कहे, आप ही बताओ। मैंने कहा शास्त्र कहता है, तुम समझते नहीं हो, शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात माननी चाहिए। तो बोले शास्त्र क्या कहता आप बताइए। शास्त्र कहता है कि आप जब सोने लगे तो सोने के पहले आप राम 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 कह के सो जाएं, और जब जागने लगे तो राम 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 कह करके जागें। इससे होगा क्या? शास्त्र कहता है इससे ये होगा कि कोई भी प्राणी राम 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 कह के सोएगा और राम 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 कह के जगेगा, तो सोने और जागने के मध्य में जितनी भी श्वासाएं चलेंगी वो सब राम नाम के भजन से जोड़ दी जाएंगी, इसलिए सोते समय भी आपका भजन ही माना जाएगा। अब बोलो इसमें कोई घाटा है? ईमानदारी से बताओ। अब किसी भी पार्टी का आदमी हो राम राम कह के सो जावे तो कोई दिक्कत है? बताओ भैया कौन परेशानी की बात है, फायदा ही है कि राम 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 कह के हम सो रहे, राम 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 कह के हम जगें, यही नियम है। वो आजकल बड़ी विडंबना है, आजकल लोग सोते हैं तो राम 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 कह के नहीं सोते, आजकल लोग टेलीविजन देख के सोते। बोलो सोते कि नहीं सोते? घर घर में टीवी लगी है, टीवी देख के सोते हैं लोग। अच्छा जब जगते हैं तो राम 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 कह के नहीं जगते हैं? शंकर जी राम राम कह के जगे, पार्वती जी समझ गई, सती जी समझ गई, मेरे पति जग गए क्योंकि राम राम कह रहे। वो आजकल की पत्नी समझ जाती है, पति जब जगता है कब समझती है? पति राम राम कहे तब नहीं समझती पत्नी जग गए, पति कहे चाय 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 तो पत्नी समझ जाती जग गए जग गए जग गए जग गए, तुरंत चाय की व्यवस्था करो। अच्छा बोलो चाय बना के ले जाती है बेड़ई पे बैठे बैठे, पी लेते हो कि नहीं पी लेते हो? वो चाय है कि जहर है, सोचो जरा। और मैं कहता हूं कि चाय चाय कह के तुम जगे तो दिन भर तुम्हारा चाय 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 में निकल गया।
चाय चाय का मतलब है अशांति। क्यों? चाय चाय का मतलब क्या है तुम सब जानते? हमारी भाषा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चाय चाय का मतलब है अशांति। मैं दावे से कहता हूं, चाय चाय कह करके मत जगो प्यारे, राम राम कह करके जगना। जो राम राम कह करके जगते हैं उनका पूरा दिन शांति में व्यतीत होता है, शांति में गुजर जाता है, क्योंकि राम राम से शांति मिलती है। राम जी के नाम से क्या मिलती है? शांति मिलती है। बोलो, मिलती है कि नहीं मिलती है? राम नाम इसलिए लिया जाता है, राम नाम का जप इसलिए किया जाता है क्योंकि शांति का अनुभव होता है। शांति प्राप्त करना है तो राम राम जपो। मैंने कहा इसलिए भ्रम दूर करो, शंकर जी का 24 घंटे का राम राम जपना माना जाएगा क्योंकि श्वासाओं से वो राम राम ही निकलेगा। इसलिए सोने की स्थिति में जो श्वासाएं निकली हैं वो सब राम नाम के संकीर्तन से जोड़ दी जाएंगी, भ्रम उसका दूर हुआ। अब यहां महाराज मनु कहते हैं कि जब तक आप सामने नहीं आ जाएंगे, और आकार में वही दे रहा हूं जो भगवान शंकर के हृदय में हृदयस्थ है, जो भुसुंडी जी के मन मानस में हृदयस्थ है, मन मानस में स्थित है, जो भुसुंडी के मन मानस में स्थित है, जो शिवजी के हृदय में हृदयस्थ है, वही आकार लेकर के आप आ जाएं, तो शंकर जी के हृदय में कौन सा रूप है? राम 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 राम। और राम कौन है? रघुवंश भूषण राम। बोलिए रघुवंश भूषण राम की जय। वही राम है। इसलिए नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजे तन शोभान रखी, कोटि कोटि सत्काम। बात समझ में आ गई? नील सरोरुह नीलमणि, नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। बोलो वही नीलाम्बुजश्याम है कि नहीं? हमारे राम जी कैसे हैं? नीलाम्बुजश्याम है कि नहीं? और नील सरोरुह नीलमणि नीर नीरधर श्याम सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो कहा मनु अब मैं आ गया हूं, एक काम करो जल्दी मांगो, जल्दी मांगो, क्योंकि तुमने बुलाया मैं चला आया, कोई दूसरा बुलाएगा हमें जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जो मांगो मैं फटाफट दूंगा और चला जाऊंगा, जल्दी मांगो जल्दी मांगो। मनु जी बोले जल्दी जल्दी मत कहो, हमको इतनी जल्दी नहीं है, जब आप फुर्सत में हो तब आ जाना, अभी चले जाओ। अगर ज्यादा जल्दी है तो हमें जल्दी वल्दी की जरूरत नहीं है, आप तो फुर्सत में हो जाओ तब आओ आराम से, फिर मैं मांग लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शत्रुपा जी बोली देखो आए हुए भगवान को वापस मत करो, मांग लो। मनु जी बोले रब तुम चुप रहो, तुम नहीं जानती हो, तुम शांत रहो, जो मैं कहूं उसको तुम स्वीकार करना। शत्रुपा जी ने कहा ठीक 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 ठीक। आजकल की होती तो कहती तुम मांगना वांगना नहीं जानते, तुम पीछे हटो, मैं मांगूंगी। अभी देखो देने वाला भी घबरा जाएगा, ऐसा मांगूंगी, लेकिन कितनी मर्यादित हैं, पति ने इशारा किया तो तुरंत पीछे हट गई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है। ऐसा होना चाहिए धर्म पत्नी को। मैं इसलिए कहता हूं कि हे भगवान, यदि समाज में नारी का स्वरूप होना चाहिए तो भगवती सीता जैसा होना चाहिए, और पुरुष का स्वरूप होना चाहिए तो श्री राम जैसा होना चाहिए। आज यही यज्ञ भगवान से मेरी कामना है, यही मन्नत मनोती है कि हे यज्ञ भगवान, समाज में पुरुषों को श्री राम से जोड़ देना और समाज की नारियों को भगवती सीता से जोड़ देना, यही कामना है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो, क्यों? लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम ये चाहते हो कि हे भगवान हमारी पत्नी सीता जैसी हो तो तुम्हें राम जैसा बनना पड़ेगा। ये नहीं कि पत्नी सीता जैसी हो तुम खरदूषण हो, तो क्या मतलब निकला? कोई अर्थ निकला? इसलिए प्यारे राम तुम्हें बनना होगा,
तो निश्चित है कि तुम्हारी पत्नी सीता बन करके तुम्हें दिखाएगी। आज शत्रुपा जैसी मर्यादित पातिव्र धर्म का पालन करने वाली पति परायणा आज हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप अपनी विधा से मांगे, आराम से मांगे, अपनी विधा से मांगे, क्या चाहिए। अब मनु जी कहते हैं दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतीभाव। दान शिरोमणि, भगवान बोले डायरेक्ट मांगो, विशेषण विशेषण लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो सीधा मांगो हम दे चले जाए, ये दान शिरोमणि क्यों कह रहे हो। मनु जी ने कहा मांगने का तरीका दुनिया वालों को बता रहा हूं, हमारी संतान मनु की संतान आगे होगी तो अपनी संतान को मैं ये संकेत दे रहा हूं कि मांगने का यही तरीका है, इसी विधा से मांगो। जैसे अति रुद्र महायज्ञ हो रहा है, 1111 कुंडात्मक अति रुद्र महायज्ञ। अब बोलो भाई आप सबने सहयोग किया कि नहीं किया, सबने सहयोग ना किया होता तो इतना बड़ा ये कुंभ कैसे लग जाता। ये विदिशा जिले का कुंभ नहीं है प्यारे, ये भोपाल संभाग का कुंभ नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का महाकुंभ है। ये साधारण यज्ञ नहीं है, ये साधारण यज्ञ नहीं है, ये सौभाग्य जो आज तुम्हें मिला है। और मैं आगे इस यज्ञ की विशेषता बताने जा रहा हूं और रघुवंश की विशेषता भी बताने जा रहा हूं कि रघुवंश में कैसे कैसे यज्ञ हुए हैं। आखिर इक्ष्वाकु वंश रघुवंश के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। इस वंश को, सूर्य वंश को स्थापित करने वाले महाराज इक्ष्वाकु हैं, लेकिन आज कोई इक्ष्वाकु वंश नाम नहीं लेता है, सब रघुवंश नाम लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं लेते। कैसे रघुवंश हुआ, किन विशेषताओं से हुआ है, बस ध्यान से सुनना, मन लगा करके सुनना, आगे वो सारी की सारी पारदर्शिता आपके सामने आ जाएगी और इसी कथा में आप सबको सुनने को मिलेगा। आज तो विशाल जन समुदाय जहां भी निगाह डाल रहा हूं वहां केवल हमें भक्ति ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक ये पांडाल भी बढ़ाया गया है शायरों में, लेकिन मैं देख रहा हूं देवियों की दीर्घा में देवियों ने अपना पांडाल को पूरा भर दिया है और पुरुषों की दीर्घा में पुरुषों ने इस पांडाल को भर दिया है। मुझे लगता है कि ये पांडाल बढ़ता रहेगा, आप बढ़ते रहेंगे तो पांडाल बढ़ता रहेगा, लेकिन भंडारा तो 10 तारीख को होगा। क्यों भाई, भंडारा तो 10 को ही होगा, विशाल रोज ही भंडारा चल रहा है। सामान्य यज्ञों में जैसे पूर्णाहुति के बाद भंडारा होता, वैसा तो प्रतिदिन भंडारा, उससे बड़ा रोज ही चल रहा है, प्रतिदिन भंडारा चल रहा है। वो भंडारा नहीं होगा 10 तारीख का, महाभंडारा होगा प्यारे, वो साधारण भंडारा नहीं होगा।